हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। खूबसूरत पहाड़ों से एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ हम अभी बना रहे हैं अपनी रोटी। आज हमारी फ्रेंड का छत पड़ रही है, मकान की छत पड़ रही है। अब तो मैं आपको बताती हूँ हम यहाँ पे कितने हैं। दोस्तों, हम बैठ चुके हैं रोटी बनाने, क्योंकि आज हमारे फ्रेंड के मकान की छत पड़ रही है और हम सब फ्रेंड आ रहे हैं और हमारे गांव के कुछ लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ ना छोटे, मतलब हम जैसे लड़कियाँ रोटी बनाने आते हैं जिस दिन मकान की छत पड़ती है, और गाँव वाले भी आते हैं कुछ कुछ ऐसे अगल बगल के जिनकी मतलब छोटी लड़कियाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा है। सो अभी यहाँ पर हम दोनों आटा गूंथ रहे हैं। इन्होंने अभी पाए आटा गूंथने के लिए, मजाक करी। और अभी देखो यहाँ पर हो रही है लेंटर की तैयारी। बताओ मेरे को भी। देखो आता है। तो मैंने अभी आटा गूंथा और ये सब यहाँ पे बैठ रखे हैं, काम चोर कहीं के। हेलो गाइस, इट्स मी वाल जो बोलिएगा, तुझे पता हो तो कुछ। ये तो इन कैलेंडर पर है, ये बहुत काम चोर है, देख ले इसकी शक्ल। मैंने देखो कितने अच्छे डिजाइन है मेरे, मैंने लगाई ना तब गू तो सुबह मैं करूंगी। देख सकते हैं यहाँ पे चल पे ये मेरी भाभी है। गाइस, यहाँ पे गम है जो पिछली बार वोट के लिए उठी थी, मतलब 5 साल रह गए, इस बार इनको वोट दे। जरा मैं तो बता दूँ गांची मैन क्या कहते हैं, संगीत अलग है, और भी होली भी मुंसे। यहाँ पर शादी उनकी बातचीत चल रही है, इनको शादी करने की ज्यादा ही पड़ी है। इसको ला, दो बना देने। भाई भाई जलन वो नहीं देता रुपया, मैं वो आने रुपया से मेरे को मेरा था आप बुलाने होय गर्व मार के तू तम से तेरा मदर तो बुलाया था। चलो तब मिलते हैं बाद में, इनका लेंटर जब पड़ेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? लेंटर का टाइम आपको वीडियो दिखाएंगे। हां वही क्या मदन नहीं होंदे मले बंजी के मैं बेइज्जती कर लो सिमरन, ज्यादा ना बोलियो। दोस्तों बन चुकी है सारी रोटियाँ, कब नहीं होती है पर आज तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी हो रखी है। तो दोस्तों मैं यहाँ आई और अभी मैंने अपनी बहन को काम पे लगवा दिया है। अरे यार मेरे पास ऐसा ही टैलेंट है, मैं सबको काम करने के लिए मजबूर कर ही देती हूँ। तो देख सकते हैं कैसे कपड़े धोने पे लगी हुई है। अब मैं इसके पास अपने सारे कपड़े दूंगी जो भी मैंने आज तक संभाल के रखे हैं कमरे पे। तो ये देखिए यहाँ से दिखता है ऐसा भी हवाई हमारा घर है। हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ से ना इतना प्यारा दिखता है ना। तो अभी चलते हैं हम गाय भैंस को बांधने, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है। दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने नानी के यहाँ, क्योंकि मेरे नाना का फ़ोन छूट गया है यहाँ। परसों मेरे नाना आ रखे थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने अपना फ़ोन यहीं छोड़ दिया और हमें बोला कि मेरा फ़ोन लेके आओ, और कोई मिला नहीं। तो मम्मी ने कहा तू ही चली जा, क्योंकि तू काम चोर है, कुछ काम करती भी नहीं है। तो मैंने सोचा चले जाते हैं यार। तो दोस्तों मेरे साथ मेरा भाई भी है, उनके टीचर जा रहे थे यहाँ से नीचे, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ नीचे तक। मैंने कहा तू चल आ जा, मैं अकेले आ जाऊँगी। और मैं जा रही हूँ अभी यहाँ पर, बहुत लॉन्ली फील हो रहा है यार। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी नानी के यहाँ, और अभी हमने नाश्ता किया, खाना खाया, और अभी हम खाली बैठे ही हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ काम है नहीं, क्योंकि मेरे नानी नहीं है और मेरे नाना सब चीज़ अकेले। और आज मैं यहाँ रखी हूँ, अपने नाना का फ़ोन देने आई थी, ठीक है? और अभी भाई अंदर बैठा है, सो रहा है वो, क्योंकि थकान लगी है बहुत ज़्यादा, मुझे भी लगी है। थोड़ी देर में अब रोटी बनाने की तैयारी होती है, थोड़ी नहीं बस अब बनाने ही वाली हूँ मैं रोटी। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको
मथिया गांव गांव भी दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे ना जहाँ हम आए हुए वहाँ का गांव दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये है मथिया गांव, और ये है खंगासू। रुको मैं पूरी तरह से दिखाती हूँ। ये है खंगासू बांगर, और जो ये दिख रही है ना, ये पर्वत दिख रहा है ना, इसके नीचे ना खोड़गांव है। तो देख सकते हैं अभी बारिश आई है, इसलिए मौसम ऐसा हो रखा है। तो मेरे नाना ने यहाँ पर धनिया प्याज पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, देख सकते हो आप। मेरे नाना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में। और यहाँ ये देखिए धान हो रही है, छोटी छोटी धान। गेहूँ तो पक, अभी तो यहाँ बहुत कच्चे हैं गेहूँ, बट रुको हाँ, मेरे नाना ने आलू भी लगा रखे हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मेरे नाना ने यहाँ पर आलू भी लगा रखे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा खेत है, और इसमें मेरे नाना ने अकेले ही आलू लगा रखे हैं। तो कभी कभी आलू बच जाते हैं, लेकिन यहाँ के जंगली जानवर जैसे सुअर होता है ना, तो वो कभी कभी पूरे आलू को खा जाता है और पूरा नुकसान हो जाता है। बट यहाँ पर अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जिस वजह से बच भी जाता है ये। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हालत कितनी ख़राब हो रखी है मेरी, क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ और ऐसे ही काम कर रही हूँ, और ये भी बाहर आ गया, कैमरे पे आता ही नहीं है, क्या करें सांवले काले लोग ही कैमरे पे आते हैं। तो बहुत ठंड हो रही है सच में, यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो दोस्तों आपको आलू चाहिए होंगे तो यहाँ आ जाना, ठीक है, मजा करी थोड़ी लगा रखे हैं। तो मेरे नाना ना हमें भी देते हैं, मौसी, मेरी मौसी है, मेरी बड़ी माँ है, हम तीनों को देते हैं आलू। आलू यार चाहे कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ इक्वल देते हैं मेरे नाना हर किसी को। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों हम घर कल जाएंगे। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।